आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत लद्दाख से निकलेला राष्ट्रीय एकता साइकिल रैली आज पालनपुर आवी पहुंची थी। बनासकांठा पुलिस सहित प्रशासन द्वारा उष्माभर्यु स्वागत करवामां आव्युं। भाजप द्वारा आजादी अमृत महोत्सव की उजवणी थई रही है त्यारे देशभर में एकता संदेश लईने आईटीबीपी द्वारा लेह लद्दाख थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सुधी एकता साइकिल रैली आयोजन करवामां आव्युं। जे रैली में देश विभिन्न भागों में 23 साइकलिस्ट जोड़ाया छे। ये रैली की शुरुआत 27 अगस्त को गोगरा लद्दाख से हुई थी और इसका ख़त्म होना केवड़िया में 31 अक्टूबर को निर्धारित है। इस रैली का नाम राष्ट्रीय एकता साइकिल रैली है, जिससे ही नाम से विदित होता है ये रैली राष्ट्र में एकता का संदेश लेकर निकली है और चाहती है कि एकता का नवसंचार हो। इस रैली टोटल 2700 किलोमीटर तय करेगी और इसमें 23 साइकिलिस्ट हैं। ये साइकिलिस्ट देश के विभिन्न भागों से आए हैं। सारा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के मना रहा है। इसके उपलक्ष्य पे आईटीबीपी ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जो लेह गोगरा से स्टार्ट हुई थी 27 अगस्त को। उसने अपने 3 चरण को पूरा करके दिल्ली में 30 सितंबर को पहुंची थी और 4 अक्टूबर 2021 को हमने दिल्ली से केवड़िया तक का सफ़र को शुरू किया था। आज हम पालनपुर की धरती पर मौजूद हैं और यहाँ की सरकार की सक्रियता, इवन 2 सांसद और 1 मंत्री हमें यहाँ पे रिसीव करने पहुँचे। पालनपुर की प्रशासन की सक्रियता को देख के मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जो उद्देश्य हम वहाँ से लेके चले थे आज वो पूरा हो चुका है। फिर भी आज का दिन और कल का दिन हम ऊंझा में बिताएंगे और वहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव तरीका वर्ष ने उजवी रही है, जेना भागरूपे आज लेह लद्दाख थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सुधी एकता यात्रा इंडियन इटालियन बॉर्डर पुलिस फोर्स द्वारा अजय कुमार ना नेतृत्व में आज पालनपुर मुकामे बधारी। ये प्रसंगे एमने आवकारवा माटे एमनु स्वागत करवा माटे अमारा लोकसभा सांसद श्री प्रबोध भाई पटेल साहेब, राज्यसभा सांसद श्री दिनेश भाई अनावाड़िया अने अमरा भारतीय जनता पार्टी सन्माननीय आगेवानों साथे जवानों ने आवकार्या, एमने आ यात्रा बदल शुभेच्छा पाठवी। अत्यारे हाल समाचारों में बस आटलू ज, बधुं समाचारों माटे जोता रहो निर्माण न्यूज। नमस्कार।